How are you all? Hope you all doing well. Students, in our previous video, we have read about how animals feed. So, different animals has different types of food eating habits. So, how they fo eat their food? Few animals swallow their few food. Few animals tear and chew flesh their food. Few animals gnaw their food. Few animals eat grass and chew the curd. These type of animals are gen generally we call them herbivores animals. Few animals lap milk or water. And I told you to do checkpoint. Here is the answer or you can say this, these are the keywords. Animals need food to grow. Animals that eat only the flesh of other animals are called carnivores. A frog has a long and sticky tongue to catch insects. Animals that chew the curd are mostly herbivores. Okay, ओके ये आप चेक कर लेना मैच कर लेना अपने आंसर से अगर रॉन्ग हो तो उसे करेक्ट कर लेना आज हम पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जिनकी फीडिंग हैबिट्स और भी डिफरेंट होती है The trunk of an elephant helps it to eat and drink. अब जो एलिफेंट है सी दिस इज एलिफेंट एलिफ़ेंट के बाद हैंड्स तो नहीं होती ना तो वो कैसे खाता और पीता है अपने ट्रंक के थ्रू देखिए ये ट्रंक है इसकी हेल्प से वो खाना भी खाता है और पानी भी पीता है तो ये ट्रंक को जो जिनको हम सूंड भी कहते हैं हिंदी में और ये ट्रंक का एक और भी मीनिंग होता है संदूक संदूक होता है ना जो घर में रखे हुए रहते बड़े बड़े संदूक होते हैं उसमें मम्मा सामान रखती है उसको हम संदूक भी कहते हैं तो यहाँ पे ट्रंक का मतलब होता है एलिफेंट का सून्ड द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट हेल्प्स इट टू ईट एंड ड्रिंक उसको खाने में और पीने में मदद करती है कैसे करती है इट यूजेज इट्स ट्रंक टू अपरूट ग्रास एंड टीयर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज़ वो ग्रास जो होते हैं उनको तोड़ने में मदद करती है ब्रांचेज ट्रीज़ के जो ब्रांचेज ब्रांचेज होते हैं उसमें जो ग्रीन लीव्स होती है फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी तोड़ने में मदद करती है the elephant also uses its trunk to suck up water and then shoots the water like a fountain into its mouth. और elephant क्या करते हैं अपने trunk के through वो पानी को पूरा suck कर लेता है पानी को अपने trunk की अंदर ले लेता है और फिर अपने माउथ के अंदर वो फाउंटेन की तरह उसको स्प्रे कर देते हैं जैसे फाउंटेन में आप क्या देखते हैं फाउंटेन में आप क्या देखते हैं फुहरा जिनको हम फुहरा कहते हैं उसके मशीन के अंदर से वो पानी पूरा निकलता है और चारों तरफ स्प्रेड होता है इस तरह से जो एलिफेंट है अपने ट्रंक के थ्रू उसके फ्रंट में दो होल्स होते हैं उससे वो पानी को अपने ट्रंक के अंदर लेकर फिर ये ट्रंक इस मुंह की तरफ ले जाता है और उसको स्प्रे कर देता है तो वो सारी पानी उसके माउथ के अंदर आ जाती है इस तरह से ट्रंक से एलिफेंट अपना पानी पीता है इट यूज़ेस इट्स ट्रंक टू हैव शावर आल्सो और नहाने पर भी वो मदद करता है जैसे देख लीजिए अभी एक पॉन्ड में है एलिफेंट और वो पानी को अपने सूंड में भर के अपने ऊपर स्प्रे कर रहा है तो वो बात ले रहा है तो ट्रंक इसके पानी पीने के भी काम आते हैं ट्रंक इसके खाने पीने में भी काम आता है ट्रंक शावर लेने में भी काम काम आता है ट्रंक इसकी बहुत तरह से हेल्प करते हैं तो इस तरह से एलिफेंट खाना एलिफेंट की ये फीडिंग हैबिट्स है इस तरह से वो खाना और पानी पीता है नाउ नेक्स्ट इज एन अर्थ वॉर्म सोयलोज सॉयल विच हैज़ पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट अब अर्थ वॉर्म जिनको हम केचुआ कहते हैं सी इट्स एन अर्थ इसको हम केचुआ कहते हैं ये हमारे खाद बनाने के काम आता है और ये सॉइल के अंदर जनरली पाया जाता है अब ये कैसे खाना खाते हैं एंड अर्थ वॉर सॉइलोज सॉइल विच हैज़ पार्ट्स ऑफ डेड प्लाट्स एंड एनिमल्स अर्थ फॉर्म जो होता है ये जो सॉयल होता है उसको खाता है क्यों खाता है सॉइल अब आप बोलोगे सॉइल में क्या टेस्ट होती है सॉइल तो मिट्टी होती है उसमें क्या टेस्ट होती है अर्थ फॉर्म जो होता है सॉइल को इसलिए खाता है कि उसके अंदर सॉइल के अंदर जो डेड प्लाट्स और एनिमल्स होते हैं uh, पेड़ पौधे जो टूट के नीचे गिर जाते हैं वो अंदर सॉयल में सड़ जाते हैं टूटे हुए पत्ते होते हैं एनिमल्स जो होते हैं वो चलते चलते गिर जाते हैं चोट लग जाती है या मर जाते हैं जैसे भी होता है एनिमल्स जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं सॉयल में और जो टूटे हुए पत्ते होते हैं वो पड़े-पड़े सड़ जाते हैं जिनको हम रोटन भी कहते हैं तो अर्थफॉम उसको खाता है अब बटरफ्लाई हैज़ अ लॉन्ग सकिंग ट्यूब सी इट्स अ बटरफ्लाई बटरफ्लाई सनफ्लावर के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पे देखिए ये जो लॉन्ग है ना इसके ये इसको सक करती है इससे लॉन्ग सकिंग ट्यूब इसको लॉन्ग इनके ट्यूब होते हैं जिससे वो बटरफ्लाई का जो जूस होता है जो अंदर में आ, आ, फ्लावर्स का जो अपना खुद का जूस होता है उसको वो अपने ट्यूब के थ्रू सक करती है इट यूज़ दिस टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम नेक्टर कहते हैं बटरफ्लाई फ्लावर्स के जो जूस होते हैं उसको वो सक करती है जिनको हम नेक्टर भी कहते हैं तो इस तरह से बटरफ्लाई सक करती है मस्कीटोज अब मस्कीटोज एंड लीचेज़ कैसे करते हैं मस्कीटोज एंड लीचे सक ब्लड फ्राम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स मस्कीटो मच्छर जिससे हम हम सभी को बहुत नफ़रत है मस्क्यूटो क्या करता है हमारी बॉडी का खून पीता है इस तरह से वो अपना उसकी ये फीडिंग हैबिट्स है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स है ठीक है अब देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स नीट केयर डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ अगर हम अपने घर में डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं तो सिर्फ रखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चे उसको अगर हम रख रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके अच्छे से केयर करें ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर सभी एनिमल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है केयर की ज़रूरत होती है डोमेस्टिक एनिमल्स सर्व अस वेल इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ दैम अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स अपना काम करवा रहे हैं तो हमें हम हाँ, ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बदले हम भी उसकी केयर करें उसका प्रॉपर केयर करें उसके खाने में उसको प्रॉपर हेल्दी डाइट दें उसको प्रॉपर बात करवाए उसको आ, राउंड पे लेके जाए उसकी अच्छे तरीके से केयर करें फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन टू देम इन ए क्लीन वेसल्स वेसल्स मतलब बर्तन अगर हम उसको कोई खाना दे रहे हैं या हम उसको पानी दे रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अगर उसको खाना दे रहे तो ये नहीं कि उसी में बार बार आप खाना डालते रहो उस जिस चीज़ में आप उसको खाना दे रहे हो उसको आपको क्लीन भी करना है दे शेल्टर्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली अब उनकी शेल्टर मतलब जो उनका घर है जहाँ आप उसको रखते हो उसे भी आपको साफ़ सुथरा रखना है जैसे आप अपने घर में साफ सुथरे बर्तन में खाते हो पीते हो रहते हो तो वैसे ही हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी रखने चाहिए सिक एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड इन टाइम सिक एनिमल्स मतलब जो बीमार हो जाते हैं एनिमल्स कुछ कुछ एनिमल्स की वैक्सीन नहीं होती उसके अंदर थोड़े कीड़े टाइप के कुछ लग जाते तो वो बीमार हो जाते हैं या उनको इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बीमार हो जाते तो हमें जैसे हम बीमार होते हमें डॉक्टर हम डॉक्टर को दिखाते हम ट्रीटमेंट लेते वैसे हमारी ड्यूटी होती है कि अगर हमारे एनिमल्स बीमार है डोमेस्टिक एनिमल्स बीमार है तो उन्हें भी हमें टाइम टू टाइम डॉक्टर से ट्रीट करवाना चाहिए वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स हमें हमेशा ही एनिमल्स के प्रति बहुत ही अच्छे बन के रहना चाहिए काइंड हार्टेड बन के रहना चाहिए और बहुत ही सॉफ्टली तरीके से उनका केयर करना चाहिए क्योंकि एनिमल्स इंसान से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है अगर आप एनिमल को प्यार करोगे तो एनिमल आपको उसके बदले बहुत प्यार करेगा तो बच्चे इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में सब कुछ पढ़ा आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गई होगी तो जल्दी से अब हम क्विक रिकैप करते हैं फॉर पहले वर्ड्स टू नो पड़ते हैं स्ट्रे डॉग जैसे आपको बताया था स्ट्रे डॉग क्या होते हैं अ डॉग विच लिव्स इन द स्ट्रीट्स जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनको हम स्ट्रे डॉग कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल एंड एनिमल विच वर्क्स फॉर ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के साथ जो एनिमल्स काम करते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं ग्रेज ईट ग्रास एंड प्लांट्स इन अ फील्ड ग्रेज मतलब ग्रास और प्लांट्स को फील्ड में से खाने को ग्रेजिंग कहते हैं Quick recap Animals need food to grow, to stay healthy, and to get energy. Some animals eat plants, some eat flesh, others eat both plants and flesh. Animals have different feeding habits. Some tear and chew their food, some swallow it, some bite their food and chew it, some no. Some grass eating animals chew the curd. Liquid food is lapped or sucked up. We must be kind to animals. Okay? अब ये कुछ एक्सरसाइजेज़ है ये आपकी होमवर्क है एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी ये आपको बुक में करना है टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज ए में क्या है टिक द करेक्ट आंसर्स एक मैं बता देती हूँ विच ऑफ दीज एनिमल्स इज एन ओमनी वोर ओमनी वोर इनमें से कौन सा एनिमल है ओमनी वोर क्या होते हैं जो फ्लैश शीटिंग एनिमल होता है तो इनमें से कौन से फ्लैश शीटिंग एनिमल है टाइगर डॉग और क्रो ठीक है तो इसमें आपको टिक करना है तो ये है इसमें ओमनीवोर ओमनीवोर क्या होते सॉरी फ्लैश ईटिंग नहीं ओमनीवोर होते जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं तो इनमें कौन से ऐसे हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते डैट इज़ क्रो ठीक है अब ये सेकेंड थर्ड आप अपने आप करोगे बी में क्या है राइट एच फॉर हर्बी वो सी फॉर कर्नीवोर एंड ओ फॉर ओमनी वो यहाँ कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए इसके बगल में एक सर्कल किया हुआ है यहाँ पे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है उसमें आपको एच लिखना है जो कर्नीस है उसमें सी लिखना है और जो ओमनी है उसमें ओ लिखना है ठीक है नाउ सी मैच द एनिमल्स विद द टाइप ऑफ दे हैव यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं और उनकी किस तरह की तित होती है यहाँ पे वो लिखा हुआ है इसको आपको उनके अकॉर्डिंगली मैच करना है डी में क्या है रीड द स्टेटमेंट्स वन टू एट केयरफुली एंड देन लुक एट द पिक्चर्स नाउ राइट द करेक्ट नंबर्स बिलो ईच पिक्चर यहाँ वन से एट तक कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम पिक्चर बनाए हुए हैं उसके नीचे सर्कल है ठीक है अब आपको क्या करना है सेंटेंस पढ़ना है और जिस सेंटेंस का जो नंबर जिस एनिमल से सूट करता है उधर आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल आई गिव मिल्क अब इसमें से मिल्क कौन देता है काउ तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे ठीक है आई एम ओमनी अब इसमें एनिमल्स में से कौन से ओमनीवोर है क्रो तो यहाँ पे आपको टू लिखना है तो इस तरह से आपको काम करना है ठीक है बच्चे ओके बाय हैव अ नाइस डे